चोलिस्तान में बसने वाले लाखों चोलिस्तानियों का जरिया माश लाइव स्टॉक है, जिनकी खरीदो फरोख्त के लिए भावलपुर में हर मंगल को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, जिसमें खरीदो फरोख्त के लिए व्यापारी पाकिस्तान भर से आते हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही इस मंडी में खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच जाती है। मौजूदा हालात में जानवरों में लंबी स्किन नामी बीमारी की इत्तलात है। इस बीमारी से मुतासर जानवर को मंडी में दाखिल होने से रोकने के लिए मवेशी मंडी इंतजामिया ने जानवरों की लोडिंग और अनलोडिंग मंडी से बाहर करवाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। भावलपुर मंडी में अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे जानवर नहीं आ रहे हैं, बीमारी की वजह से कोई मसला नहीं है। हमारी टीमें एंट्री के ऊपर बैठी हुई है, अगर कोई जानवर हमें ऐसा नज़र आता है तो उस जानवर को हम वहीं से वापस कर देते हैं। मंडी में कोई इस वक्त जानवर बीमार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं, सिर्फ अफवाहें चल रही हैं और कुछ भी नहीं। माल इधर बहुत आया हुआ है, खाली अफवाह उड़ाई जा रही है मंडी को फेल करने के लिए। यहाँ पर कोई बीमारी का जानवर नहीं है, एंट्री पे बैठे हैं बंदे चेकिंग के लिए, कोई आता भी एक का दुक्का वापस उसको मोड़ देते हैं। और पानी का निज़ाम बहुत अच्छा है इधर, छाया का बहुत है इधर, ठेकेदारों ने बहुत सहूलत दी हुई है। तमाम जानवरों को चेक करने के बाद मंडी में दाखिल होने दिया जाता है। आज भी मंडी में हजारों जानवर मौजूद है, जिनकी खरीदो फरोख्त जारी है।